अच्छा वसीम, तुझे पता है कयामत कहाँ से स्टार्ट होगी? नहीं भाई, तो हम सब पढ़े लिखे हैं ना, ये तुम मैं सादिक भाई कम पढ़े लिखे हैं। मैं यहाँ पे ये बैठे हैं होटल पे, माशाल्लाह कोयटा होटल है। अच्छा जी, मलिक साफ कर रहे हैं माल पैक। ये माल ग्रीन है, ग्रे है, ब्लू है, ये सब माल है। आई, 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 आई। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? अच्छा जी, हम आ चुके हैं शॉप पर। शॉप पर आने के बाद हम जैसे कि नाश्ता करते हैं, तो हम ये अपने होटल पे आ गए हैं। होटल पे हमने आके बैठे, हमने ऑर्डर लगाया कि भाई अपना एक अंडा पराठा लगा दें। आज कोकी ने खाने का दिल था, तो पराठों चल रहे लग रहे थे, तो हमने लगा चलो जी जब तक बैठ के थोड़ा सा व्लॉग बना लिया जाए। और आज हमें जाना है 6 बजे का माल लेने, जो कि हम देख कर आए थे। तो अभी देखते हैं हमारे पास हमारा नाश्ता आता है। ये हमारा नाश्ता आ चुका है, अंडा पराठा। अच्छा, आज हम अंडा पराठा और प्लस पराठे के साथ जो ना आलू की तरकारी भी खाएंगे। तो ये हमारी आलू की तरकारी और पराठे का ऑर्डर भी आ चुका है। अब ये हम खा कर और जाते हैं दुकान पर, और फिर हमें जाना है माल भी उठाने। देखते हैं क्या सेटिंग है हमारी। अंगूठा क्या बोला? मेरा अंगूठा कटा हुआ है। नहीं अबे सुन, मेरे लिए सुनो। इसके बाद आया चेक, ये इसकी वाली दुकान थी। मुझे कहने यार अभी चेक आया हुआ है तकरीबन 1 लाख रुपए का, मेरा चेक कर कैश करा के लिया। अच्छा मैंने चल मैं चलता हूँ। अब मैं इसके साथ गया, अकेले कहाँ गए? अभी बैंक का मैं चल। अब अभी बैंक में हम जाके बैठे, हम टोकन लेके बैठे। अब नंबर चल रहा है 125 126। अच्छा अब वहाँ बैठे बैठे ये आया, ये ना पिज्जा क्या हुआ? मैंने 140 का नंबर है मारा। अच्छा जब हमारा नंबर आया हम अंदर गए, मुझे NIC दो। मैंने NIC दिया, कह रहे कॉपी करा के लाओ। मैं कॉपी करा के वापस आया, मुझे कह रहा ये सब कब कितना बड़ा है आपने? मैंने इंटर किया। अच्छा कब से बैठे हुए सर? मैंने आधा घंटा हो गया, जल्दी करने सर। कह रहे आपने चेक पढ़ा था? मैंने हाँ। कह रहे कौन सी बैंक है? मैंने भाई भाई ने बताया था अभी बैंक है। भाई यार अभी का ये, अबे मैंने बोला अबे नहीं यही है। अबे मैंने बोला आधा अभी बैंक है, बैंक तुम्हारे आगे बोले यहाँ कैश करा ले लिया। अबे आधा घंटा हो जाए, फिर वहाँ गए हम वो आसिम अल्लाह वाली ब्रांच पे, वहाँ जाके कैश कराया। बोला भाई यहाँ यहाँ मैंने बोला यार कहाँ फंस गए बैंक? वो मैनेजर बोला ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, आपका साइन नहीं है ना, ये दिखा। नहीं नहीं मेरा साइन नहीं है। नहीं वो बोला अंगूठा तुम्हारा नहीं, मेरा अंगूठा। बोला पहले लगाया था? पहले लगाया था, कट गया था उसके बाद। अल्लाह जिंदगी दे। अब तो मसला हल हो गया मलिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो कोई। अच्छा वसीम, तुझे पता है कयामत कहाँ से स्टार्ट होगी? नहीं ये बता। वसीम पढ़ा लिखा? हाँ वसीम बता। वसीम कयामत के सार कहाँ से शुरू होंगे? अफगानिस्तान से शुरू होंगे? अफगानिस्तान काली पगड़ियों, क्यामत के सार आएंगे काली पगड़ियों वाले उठेंगे, काली पगड़ियों वाले अफगानिस्तान से उठेंगे। क्या पता है, किसने बताई तेरे को बात? हमें पढ़ लिख के पूरे दिन तो हमारे साथ बैठा होता है। तो हम सब पढ़े लिखे हैं ना, ये तुम मैं सादिक भाई कम पढ़े लिखे हैं। कौन पढ़ा लिखा? सादिक भाई। तू भी पढ़ा लिखा? मैं तो जाहिल हूँ। यही है ना, वो बोल रहे टायर को फोन कर, टायर पहुंचे नहीं है। तो हम निकल चुके थे दुकान से, मलिक आ रहा था फ़ोन, तो हमने थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं बाइक पर। अच्छा ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी जान जोखिम का काम है, क्योंकि एक हाथ से बाइक चलाना और एक हाथ से व्लॉग बनाना। और जिस एरिया में हम लोग चल रहे हैं, ये एरिया जो है ना साइड एरिया का है, जहाँ पर सारा आपको पता है पठानों का छीना झपटी वाला एरिया। मगर फिर भी जो है ना हम आप लोगों के लिए व्लॉग बनाते हैं कि भाई देखें आपको दिखाएँ कि हम लोग किस तरह से मतलब कहीं जाते हैं माल लेने के लिए जो भी है। तो अभी हम जो है बाइक पर थे और व्लॉग बना रहे थे, मगर ये रोड बहुत अच्छा है, रोड बिल्कुल ऐसा है कि खड्डे वड्डे नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ी सी परेशानी नहीं हुई हमें जो है ना व्लॉगिंग करने के लिए। तो थोड़े से जंप आ रहे थे तो गाड़ी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से बाइक चलाना और एक हाथ से जो है मोबाइल को पकड़ के और उसकी जो है ना वीडियो बनाना। तो अब हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर हमें जाना है माल लेने के लिए। मैं यहाँ पे ये बैठे हैं होटल पे, माशाल्लाह कोयटा होटल है शायद ये। ये भाई साहब पटाप चाय बना रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं होटल पे, ये सारा लगे हुआ। यहाँ माल लेने आए 6 बजे का, जो हम कल माल देख के गए थे ना,
मालूम ने देखा था यहाँ पे वो गाड़ी करने गया हुआ बंदा, ये सारे यहाँ बैठे हैं अभी चढ़ाई चढ़ाई यहाँ सारी चढ़ाई चढ़ाई मट्टी मट्टी बहुत है, सारे इंडस्ट्रियल एरिया है ये सारा ना। अभी हम माल लेके जाएंगे यहाँ से 6 बजे का, और सामने लगा पापी उन पिंक टाइल। हम बोला चढ़ाइया चढ़ चढ़ा के बाइक का वाट लग गई हमारी, अल्लाह का शुक्र। अयो लाइट नहीं आ रही, यहाँ की लाइट जाती है। तो हम वेयर हाउस आ चुके हैं। अच्छा ये थोड़ा सा रेस एरिया ऐसा है कि जैसे हैदराबाद का लुक आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ हैं और मतलब ऐसी जगह थी, हमें दोनों थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जब हम जो है ना हैदराबाद वाले एरिया में घूम रहे हैं। तो चढ़ाई चढ़ाई चढ़ के हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अंदर जाते हैं जहाँ माल पड़ा था, ये माल आ गया है, माल देखें आप, ये सारा 6x6 का माल है। अच्छा ये हमारे आने से पहले बहुत से लोगों के पास वीडियोज़ भी आई, बहुत से लोग कह रहे थे कि हमने पैसे दे दिए, मगर ये कि जो भाई जिसके नसीब की रोज़ी होती है अल्लाह पाक उसको देता है, और ये हम माल आज उठा। मलिक जो है बैठा हुआ माल पैक कर रहा था कि हम लोग माल छाट रहे थे, क्योंकि कुछ माल खुला हुआ था पुराना माल है ना, तो लूज पैकिंग के अंदर जो है थोड़े से डब्बे फट गए थे, तो हमने इसको पैक करा नहीं है कि अभी इसमें जो ये देखें सारा माल हमने पैक किया, इसमें ग्रीन ग्रे ब्लू कलर है। तो ये माल जो है हमारी बात भी हो गई, हमें यहाँ से ले जाके ना उस बंदे को देना जहाँ के जिसका माल है, फिर रात का भी टाइम हो जाएगा तो फिर हम यहाँ घर जाएंगे। आज ना हमारे घर के ऊपर दावत है नीचे वालों के, उन बच्चों की मंगनी है, तो अब हमने वापसी बोला यार ये लोग तो पता नहीं कब रात को खाना खाएंगे, तो हमने आते वक्त यहाँ चपली कबाब मिलते हैं हमारे एरिया में, तो हमने चपली कबाब और चपाती का आर्डर दे दिया कि भाई चपली कबाब और चपाती के लिए, फिर हमारे बच्चे कहेंगे पापा हमारे लिए भी आते वक्त ना वो आइडियल बर्गर वाला है उससे बर्गर लेते हुए आ जाएगा, तो सामने आइडियल बर्गर वाला हमने उसको भी आर्डर दे दिया है, देखते हैं कि वहाँ पर यहाँ पर हमने उसको पेमेंट कर दी, ये बना रहा है जब तक, तो हम चलते हैं आइडियल बर्गर वाले के पास जो हमारे बर्गर लगा रहा है, यानी ये बर्गर हमारे लग चुके हैं मेरे ख्याल में, लगा ऑर्डर लगा हुआ है हमारा, तो ये ऑर्डर काट रहा है इसका। आइडियल बर्गर होता बहुत अच्छा है इसका ना, तो यहाँ हम खड़े हुए थे कि भाई जब तक हमारा बर्गर बन रहा है वहाँ चपली कबाब तल रहे, और ये हमारा रोटी लेके बेचारा यहाँ पे आ गया देख कर के जो है ना आप वहाँ पे छोड़ के आ गए, यार तुम्हारी बाइक पर ही टांग दे, तो माशाल्लाह जो इसने दे दिया, अब हम यहाँ से निकलते हैं, ये हमारे को ऑर्डर मिल जाए। अब हम घर जाएंगे, तो घर जाके देखेंगे क्या सेटिंग है, ये लोग तैयार हो रहे हैं नहीं हो रहे, फिर हम जाएंगे खाना खाना। अच्छा जी इनने सारे शेव आ गए, ये सुहाना के बर्गर आ गए, सुहाना ये लो, एक आपका है एक भाई का, ये रोटी और कबाब लेके आ गए हम लोग, और हमारी लाइट चली गई है, अंधेरे में खाना खाना पड़ेगा हमारे को। मुन्नू हन्नान बाबा बाबा मुन्नू बाबा बोलो बाबा, और ये बातचीत देखो लगा पड़ा हुआ है, फिर गेम खेल रहा होगा यकीनन, क्या खेल रहा है, फ्री फायर ये खेल रहा है, आइसक्रीम ब्लिंग 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 क्या क्या खेलते थे, बर्गर ये बाहर का बर्गर, सुहाना सुहाना खा रही है बर्गर, और हम खाएंगे दाल आलू की कतलियाँ, और हम लाए हैं चपली कबाब, और मुन्नू खा रहा है शेप, मुन्नू शेप सुहाना बर्गर बातचीत बर्गर। तो ये हमारा मुन्ना जो है देख रहा था अपने बहन भाइयों को, ये लोग छमछम खेल रहे थे, तो बड़े गौर से ना उनको देख रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, किस तरीके से खेल रहे हैं, और थोड़ा गुस्से में भी था कि मेरे को नहीं खिला रहे और खेलने में लगे पड़े हुए। तो ये देखें ये देखें दोनों बहन भाई धमाधम धमाधम छमछम छमछम खेल रहे, और ये बातचीत ने मारा सुहाना को थप्पड़, और अभी है ना मुन्नू देख रहा है कि ये हो क्या रहा है, अब ये आपस के अंदर जो ना उन्होंने जंग करना शुरू कर दी, दोनों लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे को, देखो दोनों बहन भाई ना एक दूसरे से लड़ते रहते हैं हमेशा। अभी सुहाना की मम्मा ने इनको बोला कि कपड़े इस्तरी कर लो जाने के लिए, लाइट आ गई है रेडी होना, और ये लोग लड़ने में लगे हैं, अभी इनकी मम्मा ने इनकी क्लास करने वाली हैं आकर, तैयारी चल रही है नीचे मंगनी की जाने की, सुहाना कर रही है इस्त्री, छोटी मुन्नी इस्त्री कर रही है, हाँ मेरी बेटी मेरे कपड़ों पर भी इस्त्री करती है, और ये इस्त्री भी, हाँ ये कपड़े इस्त्री हो गए, ये हमारी बेगम बेटी है, बेगम बेटी भी बिल्कुल ऐसी, मुन्ना हमारा झूले के अंदर है गरीबों वाला झूला, और ये और अभी बातचीत गया हुआ है दूध वगैरह लेने के लिए, ये लोग जाएंगे आज, हम नीचे भी दिखाएंगे, ये लोग जा रहे हैं पार्टी में, नीचे क्या है मंगनी मंगनी नीचे वालों की, उनकी नीचे वालों की ना मंगनी है बच्चों की, तो अब ये लोग जा रहे हैं और हम तो लेटे हुए थक गए हम आज बहुत।